रियांश बहुत दिनों से बोल रहा था कि मफिन्स बनाओ मफिन्स बनाओ, लेकिन क्योंकि ये जंक फूड है तो मैं जल्दी नहीं मान रही थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे तो अब तो बनाना बनता ही है। तो चलिए आज बनाते हैं। तो सबसे पहले ना, घर में ये चॉकलेट रखी थी, आप कोई सी भी डेयरी मिल्क या फिर आपके पास कोई भी मिल्क चॉकलेट है आप वो ले सकते हैं। उसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब चलिए मफिन्स के लिए बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मेजरिंग कप होता है उनका यूज़ करके मफिन्स बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक कप मैदा ले लिया है। अब एक बाउल में ना मैंने छन्नी रख दी थी और उसमें हम एक कप मैदा डाल देंगे। और अब हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, तो करीबन हाफ कप पिसी हुई चीनी इसमें हम डाल देंगे। रियांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मफिन्स बनाने के लिए, तो मफिन्स बनाने के लिए मैं उसी को लीड करने दे रही हूँ, तो बहुत खुश है। चलिए अब हमें चाहिए कोको पाउडर, तो आप किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो हमें चाहिए टोटल 4 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इसी के साथ में इसमें हमें चाहिए बेकिंग एजेंट्स, तो 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग करना पसंद करते हैं तो मेजरिंग स्पून और मेजरिंग कप ज़रूर ख़रीद लें। और हाँ, एक मेजरिंग स्केल भी ख़रीद लीजिए, 200 से 300 रुपए तक का आता है, काफ़ी इजी हो जाता है किचन में कुछ भी बनाना। अब बस छान लीजिए। अब जो पिसी हुई चीनी थी ना, वो काफ़ी दिन की थी ना, तो वो उसके ना गुल्ठियाँ बन गई थी, तो छानने से वो सब ख़त्म हो जाता है। तो छानने के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, छानिएगा ज़रूर अपने ड्राई बैटर को। चलिए ड्राई बैटर हमारा रेडी है। अब हम तैयार करते हैं अपने वेट इन्ग्रीडियंट्स। एक बोल में मैं यहाँ पर ले लेती हूँ दूध, ये मैं 3/4 कप दूध ले रही हूँ, और जो दूध है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अब यहाँ पर हमें चाहिए बटर, मैं यहाँ पर सॉल्टेड बटर ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। अगर आप यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर डालते हैं तो आपको साथ में थोड़ा सा नमक भी डालना पड़ेगा, इसलिए सॉल्टेड बटर ही सही। चलिए अपना, मैंने आपसे बोला था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, हल्का सा ठंडा लग रहा था मुझे दूध, तो मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया है 30 सेकेंड्स के लिए। ये मैंने मेल्ट कर लिया है, एक बारी बस इसे हम विस्क कर लेंगे ताकि बटर और मिल्क एक साथ मिक्स हो जाए, अलग अलग ना रहे। अब अपने खजाने से मैं निकाल लेती हूँ वनीला एसेंस, ये मेरा खजाना है एसेंस और फूड कलर्स का, कभी कभी यूज़ करती हूँ लेकिन काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ, और साथ में इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर डालने से अगर आप चॉकलेट कपकेक्स या मफिन बना रहे हैं ना, बहुत अच्छे बनते हैं, उसमें बहुत अच्छा मतलब फ्लफीनेस आ जाती है। अब हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे, लेकिन हम ओवर मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप अपने बैटर को ओवर मिक्स करेंगे ना, तो आपके कभी भी बेकिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें मैदे का ग्लूटेन नहीं डेवलप कराना है। मैदे को आप जितना माड़ेंगे या ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा ग्लूटेन बनता है। अब मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था बैटर, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दूध और डाल दिया है, और बैटर बिल्कुल रेडी है। देखिए किस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल रनिंग एंड फ्लोई कंसिस्टेंसी। चलिए अब ये हम बना रहे हैं अप्पम पैन में, तो अप्पम पैन को ना हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे, मैं बटर से ही ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल या घी का भी यूज़ कर सकते हैं, इवन मफिन्स बनाने में भी आप तेल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए ग्रीस हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा हमारा बैटर। थोड़ा थोड़ा पहले फिल करेंगे, क्यों? क्योंकि जो हमने चॉकलेट कट करके रखी थी ना, वो भी हम इसमें फिल करेंगे। एक एक क्यूब हर खाँचे में हम डाल देंगे, और फिर फाइनली ऊपर से थोड़ा सा और बैटर डाल के इसे कवर कर देंगे। चलिए ऊपर से मैंने इसे कवर कर दिया है, अब बारी है इसे पकाने की। उससे पहले रियांश को हम नीचे उतार देंगे, क्योंकि अब हमें करना है गैस का काम। अब गैस ऑन कर ली है, और गैस की जो फ्लेम है वो हम बिल्कुल धीमी रखेंगे, और फिर इसके ऊपर हम हमारा अप्पम पैन रखेंगे और इसे हम ढक देंगे, और 10 मिनट बाद ये हमारे अच्छे तरीके से पक गए थे। अब इसे टर्न करना था, तो आप या तो टूथपिक की हेल्प से टर्न कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक स्पून में थोड़ा सा बटर लगाया ताकि बिल्कुल भी स्टिक ना हो हमारे मफिन्स स्पून में, और फिर इन्हें एक एक करके टर्न कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अप्पे टर्न करते हैं।
और ये मफिन्स ना बहुत अच्छे बने थे। जब ये पक गए थे तो मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाला, लेकिन फिर मुझे लगा प्लेट में निकालने से अच्छा एक जाली में निकाल दूँ ताकि ये सौगी ना हो। फिर मैंने इन्हें जाली में निकाल के रख दिया था ताकि ठंडे हो जाएं और उसके बाद इन्हें हम खाएं। यमी यमी यू नो। चलिए अब बैटर काफ़ी सारा था, मैंने सोचा अब हम अपम वाले पैन में नहीं बनाते, अब थोड़े से हम मफिन्स बना लेते हैं डायरेक्ट माइक्रोवेव करके। तो बस मैंने कपकेक मोल्ड्स में इन्हें फिल कर दिया है और इन्हें सुंदर दिखाने के लिए मैंने जो चॉकलेट हमने कट करके रखी थी वही ऊपर से डाल दी है। और बस अब बारी है इन्हें बेक करने की। इन्हें ना मैं माइक्रोवेव में बेक कर रही हूँ और माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में। वहाँ पर मैंने टेम्परेचर 180 डिग्री सेट किया था और इसे मैंने 18 मिनट्स के लिए रखा था बेक करने के लिए। अब टाइम जो है आपके माइक्रोवेव में कम या ज़्यादा हो सकता है, तो 15 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर हो गया है तो निकाल लीजिए, नहीं हुआ है तो 2 से 3 मिनट के लिए और रख दीजिए। और रियांश से ना बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कब बस ये बेक हो जाए और इन्हें मैं खा लूँ। चलिए ये जो हमारे अपम मोल्ड वाले थे ना मफिन्स, वो अच्छे तरीके से ठंडे भी हो गए थे। अब बारी थी इन्हें सर्व करने की, तो मैंने बस ऊपर से पाउडर्ड शुगर डस्ट की है, बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है बस स्नोफॉल हो गई हो। और ऊपर से चॉकलेट सिरप, आपकी चॉइस है, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और भाई हम जैसे चटोरों को तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। डेफिनेटली बच्चे तो क्रेव करते ही हैं और आपसे मांगते भी होंगे कि बनाइए बनाइए बनाइए। आपके बच्चे आपसे किस चीज़ की फरमाइश करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए ये हमारे बेक हो गए थे तो मैंने इन्हें निकाला, अब इसे टेस्ट करना था। तो मैंने एक चाकू इसमें डाल के देखी, चाकू बिल्कुल क्लीन निकल के आई थी, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गए थे। तो बस इसे मैंने निकाल के रख दिया साइड में, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें हम खा लेंगे। कितने सुंदर दिख रहे हैं ना ये मफिन्स, और ना ये लिटरली जो हम केक में चाहते हैं ना स्पंजी हो हमारे केक, लेकिन हमारे मफिन्स हल्के से डेंस रहते हैं, तो इस रेसिपी से बिल्कुल परफेक्ट मफिन्स आपके बन के निकलने वाले हैं। देखिए मुझे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो मैंने गर्म गर्म में ही इसे डिमोल्ड किया, तो ये हल्का सा ना पेपर में ही रगे रह गया। और अंदर का टेक्सचर देखिए, बिल्कुल वो डेंस टेक्सचर है जो कि मफिन्स में होता है और ब्राउनीज में होता है। ये रेसिपी एक हिट है, एंजॉय।